कहते हैं कुछ करने की चाहत हो तो उम्र की बंदिश नहीं होती और कुछ ऐसा ही कर दिखाया। शहर के 16 वर्षीय रेहान ने, रेहान की उम्र के बच्चे पढ़ाई और खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रेहान ने छोटी सी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ कम उम्र में ही एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया। सैनिक बस्ती निवासी रेहान ने अभी हाल ही में 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए हैं और रेहान का एक अंगुली पर 1 घंटे 1 मिनट 10 सेकंड तक स्टिक को बैलेंस रखने के टैलेंट को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अप्रूवल देते हुए रेहान के इस टैलेंट को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले रेहान ने इस रिकॉर्ड को दर्ज करवाने के लिए कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग या अभ्यास नहीं किया, बल्कि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद घर पर ही करीब 20 दिनों के अभ्यास के बाद यह रिकॉर्ड कायम किया है। रेहान के पिता जहां गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं तो मां गृहिणी है। रेहान की छोटी सी उम्र में मिली इस कामयाबी के बाद रेहान के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 16 वर्षीय रेहान ने जिस स्टिक के दम पर ये रिकॉर्ड कायम किया है उस स्टिक का वजन 800 ग्राम है। रेहान ने बताया कि 21 मार्च को 10वीं के एग्जाम देने के बाद खाली समय था, ऐसे में नित नए आईडी आ रहे थे। रेहान ने बताया कि खाली समय था, ऐसे में नेट पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड देखा तो यहाँ 30 मिनट का स्टिक को अंगुली पर बैलेंस रखने का रिकॉर्ड था। 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरे पेपर 21 मार्च को खत्म हो गए। उसके बाद मैंने देखा मैं घर पे बोर हो रहा हूँ तो मैंने ये सोचा टाइम स्पेंड कैसे किया जाए। फिर मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का, जिसमें वो एक आदमी लकड़ी की बैलेंस को स्टिक कर रहा था। उसका वो मैक्सिमम रिकॉर्ड था 30 मिनट और कुछ सेकंड। मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने घर पे प्रैक्टिस की और करीब 20 दिनों की प्रैक्टिस के बाद मैं इस काबिल हुआ कि मैं इतनी देर ये रख सकता हूँ उंगली पे। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो बना के आगे वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों को भेज दी, जिसके बाद उन्होंने इसकी चेकिंग करके अच्छे से मेरे को बाद में अप्रूवल भेज दिया।